अरे दीनू चाचा, आप इतनी रात गए जाग रहे हैं? हाँ बबुआ, नींद नहीं आ रही है। दीनू चाचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बबुआ, ये बाजार में एक लोहार की दुकान है, वहीं से आवाज आ रही है। लोहार की दुकान? हाँ। इतनी रात गए? हाँ, ये कोई मामूली लोहार नहीं है बबुआ। क्या मतलब? अरे बबुआ, कहाँ से आया है पता नहीं, कौन है ये भी मालूम नहीं। रात भर काम करता है, दिन को सोता है। लोग डरते भी हैं और सराहते भी हैं। दिखने में बहुत खूंखार लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है। गहरी चोट खाई हुई कोई आत्मा है। दिलचस्प आदमी लगता है। क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ। जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा चलेगा क्या? चला के दिखाऊं क्या? कम बोलता है अच्छा बोलता है। काम की बात कर। हाँ, ये नए किस्म के बंदूक का नक्शा है, ये सिर्फ तुम ही बना सकते हो। इसे AK-47 कहते हैं। हम इसे 87 में बना चुका हूँ, पता है, बन जाएगा। 5 लाख रुपया लगेगा। 5 क्या 10 लाख ले लो। हमें सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, ये पेशगी लो। हम पैसा काम होने के बाद लूंगा। अच्छा, ऐ नक्शा छोड़ जाओ। अच्छा टाइम पास करता है। अरे भाई, कोई है? कोई नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ है। हाँ जगन्नाथ भाई, ये हथौड़ा कितने का? 60 रुपया का। पैसा रखो और चलते बनो, अब हम सो रहा हूं। हाँ हाँ जगन्नाथ भाई, माफ करना तुम्हारी नींद खराब की। ये पैसे कहाँ रखूं? नए हो का इतना नहीं पता? जी हाँ, अभी अभी नया सरकारी वकील बनकर आया हूं यहां। तो तुम सरकारी आदमी हो? जी हाँ। ये चीज बिकाऊ नहीं है। पर अभी अभी तो तुमने इसकी कीमत 60 रुपए कही थी। हम अभी अभी कह रहा हूं कि ये चीज बिकाऊ नहीं है। हम सरकारी आदमी के पैसे से अपने खीसे को खराब नहीं करना चाहता। मगर क्यों? बस यूं